हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली मैम, कंप्यूटर ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेयर 1 कंप्यूटर क्लासेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो अपलोड होती रहे और उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम बात करते हैं कि व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या होता है और इसको हम कैसे चलाते हैं। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, आज यहाँ पे नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें आप अपने नोट्स बना सकते हैं और आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ना ही कोई बैकग्राउंड लगाएंगे, ना ही कोई कलर करेंगे। इसमें बस आप ओनली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं बस। और ये नोटपैड जो होता है स्टूडेंट्स, जो कि विंडो का ये पार्ट होता है और ये अपने आप में काफी पावरफुल एडिटर टूल होता है जो विंडो के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और अलग से इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, जो नोटपैड होता है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है TXT और इसकी रन कमांड होती है नोटपैड। ठीक है, तो आज हम नोटपैड को चार तरीके से ऑन करना सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा विंडो प्लस आर। विंडो के साथ आप आर को प्रेस करोगे, यहाँ पर इसकी रन कमांड देंगे हम नोटपैड, NOTEPAD। ये नीचे आ गई, इसको हम ओके करेंगे, नोटपैड ओपन हो गया हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। सेकंड स्टेप आता है हमारा इसका, यहाँ जाएंगे हम स्टार्ट पर, ऑल प्रोग्राम, इसके बाद एसेसरीज पर क्लिक करेंगे। ये आ रहा है आपका एसेसरीज। ठीक है, इसमें आ रहा है हमारा नोटपैड, ये आ रहा है ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया, ओपन हो गया नोटपैड। ठीक है, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। थर्ड आता है, फिर स्टार्ट पर जाएंगे हम, यहाँ पे लिख रहा है कि सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे नोटपैड, NO, देखो आ गया NOTEPAD, इसको हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ओपन हो गया, फिर इसको हम यहाँ से क्लोज किया। अब फोर्थ स्टेप है हमारा, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आएगा यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस टाइप से इसका फोल्डर आ गया, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद नोटपैड, ओपन हो गया। इसको मैं यहाँ से मैक्सिमाइज कर लूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटपैड का स्ट्रक्चर ओपन होकर आ गया है। आज हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे को, देखो क्या होता है इस स्ट्रक्चर में। सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है हमारी, ये वाली ब्लू वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल वार, इसे हम बोलते हैं टाइटल वार। टाइटल वार में हमारे तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर एक हमारा यहाँ पे होता है क्लोज, प्रोग्राम को क्लोज करना। यहाँ पे होता है हमारा री स्टोर डाउन, और फिर यहाँ पे होता है हमारा मिनिमाइज। री स्टोर डाउन में देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक री स्टोर डाउन और एक मैक्सिमाइज। इस टाइम यहाँ पर ये मैक्सिमाइज है, इसको रिस्टोर डाउन कर देंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम यहाँ से मैक्सिमाइज ही कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टाइटल बार हो गई, इसके तीनों ऑप्शन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई अपना फाइल का नाम नहीं दिया है। जब आप फाइल का नाम दे देंगे तो यहाँ पे फाइल का नाम शो होगा आपका। इसके जस्ट नीचे हमारी जो फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है, इसे हम बोलते हैं मेनू बार। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। इसमें जो मेनू बार की शॉर्टकट की होती है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब हमारी अल्ट के साथ ओपन होंगी। जैसे फाइल की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F, एडिट की अल्ट प्लस E, फॉर्मेट की अल्ट प्लस O, व्यू की अल्ट प्लस V और हेल्प की अल्ट प्लस H, ये हमारी अल्ट के साथ ओपन होती हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
कोई छोटे छोटे से सेंटेंस टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही इज ए गुड वाई, ठीक है, स्टॉप एंटर। इस टाइप से मैंने कुछ टाइप कर लिया है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस और लिखा है मैंने, दिस दिस इज ए कार, ठीक है, ऐसे यहाँ पे और लिख लिया, दैट इज ए डैट इज ए बैग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे तीन सेंटेंस अपने टाइप किए हैं, ठीक है। अब देखो इन सेंटेंस का हम इस सेंटेंस पे यूज कैसे करते हैं अपनी शॉर्टकट की को। सबसे पहले हम जाते हैं फाइल, फाइल में क्या क्या आता है देखो स्टूडेंट्स। इस फाइल को हमने यहाँ पे क्लिक किया है, फाइल में है न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यू फाइल लेना, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एन। फिर आता है हमारा ओपन, ओपन का मतलब होता है यहाँ पे किसी सेव की हुई फाइल को ऑन करके देखना, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। फिर आता है हमारा सेव, सेव का मतलब होता है फाइल को सेव करना, कंट्रोल प्लस एस, इसकी हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। सेवस, सेवस का मीन्स होता है जो फाइल हमारी सेव होती है उसको हमें रीनेम देना होता है। जैसे कि मेरी कोई फाइल यहाँ पे है राम के नाम से सेव है, तो मुझे श्याम के नाम से करनी है, तो मुझे सेवस में जाना होगा, वहां नाम चेंज करना होता है, वहां पर सेव श्याम डाल देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारी यहाँ से सेवस में हो जाएगा फाइल का नाम चेंज। फिर होता है पेज सेटअप, पेज सेटअप में हम यहाँ से पेज को सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको पोर्ट्रेट दे रखा है, लेफ्ट में आपको कितना करना है, ठीक है, और यहाँ पर राइट में कितना करना है आपको, लेफ्ट में कितना करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया है 40 कर लिया है, 44 कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब देखो इसको ओके करके देखो, देखो पेज में कुछ चेंजिंग आई, ठीक है। यहाँ से पेज को सेट कर लेते हैं हम, पेज सेटअप। और फिर इसके बाद आता है इसका लैंडस्केप, लैंडस्केप में टॉप मतलब ऊपर कितना करना है, टॉप में 1 करना है, 2 करना है, कितना करना है, ठीक है, और यहाँ फिर यहाँ पे बॉटम में भी कितना करना है आपको, और ओके। तो ये इस टाइप से पेज सेटअप हो जाएगा। फिर आता है हमारा फाइल में, फिर गए हम प्रिंट, प्रिंट निकलवाना होता है प्रिंट आउट, तो इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस पी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पर लिख रहा है सिलेक्ट प्रिंटर, सिलेक्ट प्रिंटर का मतलब यहाँ पे प्रिंटर को आप सिलेक्ट करेंगे जो भी प्रिंटर आपका लग रहा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज देख लेंगे, पेज को यहाँ से आप रेंज देख लेंगे, पेज की रेंज कितना करना है, ठीक है। ऑल है, सिलेक्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, फिर जाते हैं हम फाइल में, फाइल में लास्ट ऑप्शन है आपका एक्सिट, एक्सिट का मतलब होता है प्रोग्राम से बाहर आना। फिर आता है हमारा एडिट, एडिट की शॉर्टकट की अल्ट प्लस ई, ठीक है। इसमें क्या होता है अंडू, अंडू का मतलब होता है इसकी शॉर्टकट की हमारी दे रखी कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। कट कंट्रोल प्लस एक्स, अब कंट्रोल कॉपी कंट्रोल प्लस सी होती है, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होती है, डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो आज मैं आपको यहाँ बता दूं कट कॉपी पेस्ट कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तीन लाइनें लिख रही हैं, इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस की लेफ्ट की से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्ट कॉपी करना है आपको, तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, ठीक है। फिर पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे, ठीक है। ये इसकी कॉपी होके आ गई, ठीक है। अगर इसको आपको डिलीट करना होता है तो कंट्रोल ए से पहले सिलेक्ट कर लिया
और फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिलीट हुआ है उसको वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड से वापस आ जाएगा। ठीक है, अंडू मिस होता है पुनः वापस करना, कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर टेक्स्ट आपका डिलीट हो गया है तो उसको वापस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। ठीक है, और कंट्रोल वाई जो होती है ये भी, इसको यहां से कंट्रोल प्लस जेड से चला गया, ये कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रेडू, इसको भी अभी हम यूज करके बताएंगे। आइए एडिट में फिर। ठीक है, कॉपी समझ में आ गया, कट समझ में आ गया, पेस्ट समझ में आ गया। ठीक है, डिलीट डिलीट भी करके दिखा दिया। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है किसी शब्द को खोज करना, किसी शब्द की खोज करना टेक्स्ट में। जैसे कि यहां पे क्लिक किया मैंने, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। यहां पे आ रहा है फाइंड वर्ड, फाइंड वर्ड में देखो हम यूज, यहां पे मैंने कुछ ए लिखा। ठीक है, ए को मुझे देखना है कहां कहां लिख रहा है, तो यहां फाइंड नेक्स्ट कर दिया। कैन, अच्छा यहां पे आप अप कर लीजिए, यहां पे अप पर क्लिक कीजिए। ठीक है, देखो ये ब्लू ब्लू हो रहा है, ये तुरंत अपना आप ए पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपको बता के देगा कि यहां पे हमने ये शब्द लिखा है। किसी भी शब्द की हम खोज कर सकते हैं फाइंड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, फिर एडिट में पहुंचे गए हम। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट में भी ये इसकी शॉर्टकट की होती है F3। यहां से भी हम किसी शब्द की खोज करेंगे। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन करना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर बैग लिख रखा है मैंने, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच, सही है। फाइंड वर्ड, फाइंड वर्ड में यहाँ पे आप लिखेंगे बैग। ठीक है, अब नीचे वाले बॉक्स में आ रहा है रिप्लेस विद, इसमें हम लिखेंगे जैसे मुझे बैग की जगह क्या करना है, नोटबुक करनी है, नोटबुक या बुक, BOOK। ठीक है, रिप्लेस। ठीक है, ओके हो गया, क्लोज। ये यहाँ पे बुक हो गया। ठीक है, बैग की जगह मैंने बुक कर लिया। रिप्लेस में ये होता है स्थान में परिवर्तन करना। ठीक है, फिर आता है हमारा गो टू, गो टू का मतलब होता है जाना किसी भी लाइन, अगर जब हम बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं या सेक्शन में करके लिखते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी या पार्ट में करके लिखते हैं, तब हमें वहां पर डायरेक्ट जाना होता है कौन सी लाइन में कौन से पार्ट में, तब हम कैसे करते हैं। गो टू पर क्लिक किया, ठीक है, लाइन नंबर आ रहा है, यहाँ पर लाइन नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई सी, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 2 डाला। ठीक है, और गो टू। ठीक है, अब जो कर्सर है वो लाइन नंबर 2 पर पहुंच गया। फिर जाते हैं हम एडिट में, एडिट में देखो फिर है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की दे रखी है कंट्रोल प्लस ए, इससे हम कंट्रोल ए को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम डेट F5, टाइम डेट के लिए F5 का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या होता है, इसको आप यहां से पहले क्लोज कीजिए। फॉर्मेट में देखो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है फॉर्मेट की, अल्ट प्लस ओ। फॉर्मेट में आता है वर्ड ब्रेप, वर्ड ब्रेप का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई बड़ा टेक्स्ट या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके जो वर्ड होते हैं वर्ड के बीच में जो हमारा जैसे खाली जगह रह जाती है कोई स्पेस होता है, उनके बीच का स्पेस कम कर लेते हैं सिलेक्ट करके। जैसे फॉर्मेट पे क्लिक किया, वर्ड ब्रेप पे क्लिक किया। ठीक है, देखो यहां से कुछ हल्का सा इफेक्ट होता है बहुत। ठीक है, फिर आता है फॉन्ट, फॉन्ट में क्या होता है, देखो फॉन्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो इसकी यहाँ पे सबसे पहले साइज दे रखा है, आप यहाँ से साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको साइज लेना होता है 18, 20 जो भी साइज लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेगुलर दे रखा है, बोल्ड करना है तो बोल्ड मतलब मोटा हो जाएगा। ठीक है, अक्षर मोटे हो जाएंगे। यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज ले सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखना है आपको,
यहाँ से देखो ये सब हमारी लैंग्वेज आ रही है, जो भी हमें लैंग्वेज यहाँ से लेनी है, हमने यहाँ से एरियल ले ली, ठीक है, क्लिक किया एरियल पर और ओके कर दिया, ठीक है। देखो शब्दों में मोटे भी हो गए, शब्दों का साइज भी चेंज हो गया और ये एरियल में लिख गए, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट में ये होता है, ठीक है। फिर आता है आपका व्यू, व्यू में क्या होता है, अल्ट प्लस वी, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस बी, व्यू में क्लिक किया, यहाँ पर स्टेटस बार शो होता है आपका, ठीक है। हेल्प, हेल्प में व्यू हेल्प ले सकते हैं, अबाउट नोट पैड, आप यहाँ से नोट पैड में हेल्प भी ले सकते हैं हेल्प से। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मैंने सारी शॉर्टकट की आपको समझा दी है, ठीक है। अब ये जो आपका डंडा आ रहा है, ये डंडा आ रहा है, इसको हम कर्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा ये व्हाइट व्हाइट प्लेन पेज आ रहा है, ये सब हमारा वर्क एरिया होता है, क्या होता है, ये वर्क एरिया होता है। और जो ये वाली आ रही है, ये यहाँ पर जो लाइन आती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस बार शो नहीं हो रहा है, इसको स्टेटस बार को हम शो कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया, व्यू, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल बार बोलते हैं इस लाइन को, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और जो सबसे नीचे वाली लाइन आ रही है, जिसमें आपका ये स्टार्ट है और ये गूगल का है, नोट पैड है, इसे हम बोलते हैं टास्क बार, क्या बोलते हैं इसको, हम टास्क बार, ठीक है। तो आपका ये नोट पैड में आपको शॉर्टकट की समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें नोट पैड का वर्किंग बता दूं, नोट पैड में वर्किंग होता है आपका इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी, तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, थैंक यू वेरी मच, और इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।